अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मैं मोहम्मद तौहीद रज़ा और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल टेक तौहीद। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। दोस्तों, आज ये लोगो आपको नज़र आ रहा होगा, इस लोगो के बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको कैसे बनाया जाता है नाज़रीन, आज इसी के बारे में हम बताएँगे। चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए नाज़रीन आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। ये देखिए, पिक्सल लैब आपको दिख रहा होगा, इसको जो है ओपन करना है। जैसे ओपन कीजिएगा नाज़रीन, आपको जो है इसको जो है डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है, उसके बाद जो है ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड सबसे पहले हम जो है चेंज कर देते हैं। इसको जो है चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं। चलिए नाज़रीन, फिर जो हम यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं। देखिए कलर लिखा हुआ है, आपको कलर पर जाना है और जो है आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर आना है और कोई भी जो है बैकग्राउंड आपको ले लेना है। फिलहाल ये मैं ले लेता हूँ। उसके बाद नाज़रीन, आपको जो है यहाँ बीच में आपको जो है इसका इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करता हूँ, एक तो शेप ले लेता हूँ। ये देखिए जो है शेप ले लेता हूँ नाज़रीन। इसको इस तरह कर देना है, इसको जो है इस तरीके कर देना है और इसको जो है फूल कर देना है। ये देखिए नाज़रीन, ये मेरा फूल हो चुका है। अब जो है ये थोड़ा सर्कल जो है राउंड जो है कम लग रहा है, तो इसको जो है एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, इसको जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको जो है यहाँ पे जो है ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ा पहले बीचों बीच में ले आते हैं। बीचों बीच में लाने के लिए इसको जो है क्लिक कर देना है और जो है इसको लॉक कर देते हैं। अब इसको भी जो है बीचों बीच ले आते हैं, तो ये जो है दोनों बराबर हो चुका है। अब ये दोनों को जो है ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों ज्वाइन हो चुका है। अब जो है नाज़रीन, हमें एक फिर शेप ले लेना है। इसको पहले लॉक कर देते हैं। चलिए मैं इसको लॉक कर दिया हूँ। इसको जो है एक शेप ले लेते हैं, इसको जो है सर्कल वाला ले लेते हैं नाज़रीन, और जो है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इस तरीके से जो है यहाँ से जो है आपको यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद नाज़रीन, इसको जो है थोड़ा मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नाज़रीन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नाज़रीन, यहाँ दोनों को फिर टिक लगा देना है। फिर जो है आपको इसी पर जो है क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करते हैं। फिर बाहर आ जाते हैं, फिर इधर आते हैं। इरेजर कलर आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है। इरेजर कलर पे जाइएगा, इसको इनेबल कर देना है। इसको जो है इस तरीके जो है कर देना है। ये देखिए चांद की शक्ल में ये बन चुका है नाज़रीन। अब इसको जो है एक हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर कॉपी लिखा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा इस जगह पर कॉपी लिखा होगा, इस पर जो है क्लिक कर देना है। अब जो है इसको जो है इस तरीके से जो है कर देना है और जो है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही जो है लग रहा है नाज़रीन, इसको जो है थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने का मतलब जो है इसको जो है एक शेप लेते हैं और जो है इसको सर्कल वाला लेते हैं और जो है इसको इस तरीके से छोटा करके जो है आपको इस तरीके से जो है छोटा सा कर देना है। इसको काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसको जो है छोटा कर देते हैं। ये नाज़रीन हो गया, इसको जो है मर्ज कर देते हैं। ये दोनों को मर्ज करने के लिए यहाँ जाना है, फिर जो है सर्कल इधर इरेजर कलर पर जाना है। उसके बाद नाज़रीन, इसको जो है इनेबल कर देना है। ये देखिए ये हो चुका है। अब जो है इसका जो है इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे जो है रख देते हैं। ये जो है यहाँ पे रख देते हैं, इस तरीके जो है रख देते हैं। अब जो है बड़ा वाला चांद को जो है सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर जो है हम चेंज कर देते हैं। इसको जो है इस तरीके जो है कर देते हैं और छोटा वाला चांद को जो है फिर कलर पर जाते हैं, इसको इनेबल करते हैं। और यहाँ जो है कोई भी जो है आपको मनपसंद का जो है रख लेना है। ये दोनों रख लेने के बाद जो है नाज़रीन, ये दोनों को भी मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए आपको यहीं पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको फिर जो है इस पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोनों के ऊपर टिक लगा देना, फिर उसके बाद जो है यहीं पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मेरा जो है सर्कल जो है चांद की शक्ल में बन चुका है। अब इसको जो हम छिपा देते हैं, इस पर जो छिप गया है। अब जो है नाज़रीन, हमें जो है लिखना है। अब लिखने के लिए आपको जो है इस पर जो है क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और यहाँ जो है हम लिख लेते हैं एम और एस, ये दोनों जो है लिख लिए हम। उसके बाद नज़र ओके पे जाते हैं। इसका जो है साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए साइज़ बड़ा कर दिए हैं। अब इसका जो है फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको इधर आना है और फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद जो है नाज़र आपको जो है एक फॉन्ट जो है यहाँ चॉइस कर लेना है। उसके बाद नाज़र इसका जो हम पहले कलर जो है इसका कलर जो हम ब्लैक कर देते हैं ताकि जो है बनाने में थोड़ा आसानी हो। ये देखिए जो हम ब्लैक कर दिए हैं। अब जो है नाज़रीन, इसको जो है थोड़ा बीच में ले आते हैं। बीच में लेने के लिए जो है आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक मरतबा जो है इस पर जो है क्लिक करना है, एक मरतबा इसको जो है क्लिक करना है, ये बीचों बीच आ जाएगा। अब जो है नाज़रीन, इसको जो है थोड़ा लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद नाज़रीन आपको जो है इस पर जो है क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक किया हूँ, फिर आपको इम्पोर्ट पर आना है। इम्पोर्ट आने के बाद नाज़रीन आपको जो है इस पर जो है आना है, जो है गैलरी में आना है। और ये जो है एक शेप है, ये मैं तैयार पहले करके रखा जो है ताकि जो है बनाते समय जो है ये ज़्यादा समय ना ले। अब जो है नाज़रीन, इसको इस तरीके से जो है करके यहाँ जो है रख लेना है, यहाँ पे जो है रख लेना है। फिलहाल इसको थोड़ा
हाँ इस तरीके से कर लेना है। इसका कलर पर हम जो है थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि जो है नज़र आए। ये देखिए इसको जो है इस तरीके से जो है कर लेना है। अब जो है नाज़रीन ये हो चुका है। अब इसी ये शेप को जो हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए कॉपी हो चुका है। अब इसका जो है कलर जो है हम वो जो है ब्लैक कर देते हैं। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। फिर उसी को एक कॉपी करना। फिर ये देखिए फिर एक मतलब जो है कॉपी कर लिया। इसको जो है हम वाइट कर देते हैं इसका कलर। चलिए मैं इसको जो है वाइट कर देता हूँ। और इसको जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है जा करके जो है पतला इसको जो है कर देना है। उसके बाद आपको जो है लेयर पे जाना है। यहाँ पे आना है। ये दोनों को जो है मर्ज कर देना है। ये मर्ज हो जाने के बाद आपको जो है इधर आना है। बाहर आने के बाद इरेजर कलर इसको जो है ये देखिए पतला हो चुका है। अब जो है नाजरीन इसको जो है हम यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है थोड़ा सा इस तरीके से जो है कर देते हैं। इसका भी जो है हम थोड़ा पहले कलर कर दे ताकि जो है नज़र आए। ये देखिए अब इसको जो है यहाँ पे जो है रख देते हैं। ये देखिए नाजरीन ये हो चुका है। थोड़ा इसको जो है पतला वाला जो है शेप है नाजरीन थोड़ा उसको नीचे कर देते हैं। इस तरीके से जो है थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि देखने में और खूबसूरती हो। ये देखिए नाजरीन इतना मेरा जो है हो चुका है। अब जो है मुझे ये करना है कि ये दोनों शेप का जो है हम कलर सबसे पहले चेंज कर देते हैं। ये दोनों का कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए ब्लैक हो चुका है। अब इसको भी जो है हम ब्लैक कर देते हैं। चलिए मैं इसको भी जो है ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक कर देने के बाद नाज़रीन ये दोनों में जो है स्ट्रोक लगा देते हैं। स्ट्रोक मतलब जो है आपको जो है इस पर जो है क्लिक कर देना है। ये देखिए दोनों शेप में स्ट्रोक लगा देते हैं। इसमें लग चुका है। अब जो है इसमें जो है स्ट्रोक भी लगा देते हैं। ये देखिए इसमें जो है लग चुका है। अब लग जाने के बाद नाज़रीन ये दोनों को जो है ज्वाइन कर देना है। यानी कि इस ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पे आने के बाद जो है तमाम को जो है मर्ज कर देना। ये तीन चीज़ को जो है मर्ज कर देना। नीचे वाले जो चांद तारे के शक्ल में जो हमने बनाया था उसको नहीं करना। अभी फिल वक्त जो है एम एस और जो है तीन ठो शेप लिया दो ठो शेप लिए ये तीनों को जो है मर्ज कर देना। ये देखिए मर्ज हो चुका है। हो जाने के बाद नाजन फिर जो है हम इधर आते हैं और इस तरीके से जो है कर देते हैं। ये देखिए अलग हो गया है। अब जो है इसको एक कॉपी कर लेते हैं। ये जो है इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं और बीचों बीच ले आते हैं। उसके बाद जो है इसका कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए कॉपी हो चुका है। इसको जो है बीचों बीच में ले आते हैं। अब जो है नाजरीन मुझे एक ठो जो है अंदर कर देना यानी कि उसको भी छुपा देना जैसे चांद तारा जो है मैंने छुपाया है। उसके बाद ये देखिए क्या करना है नाजरीन इधर आना है और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो है मास्क लिखा हुआ। मास्क पे क्लिक कर देना है और जो है इसको इनेबल कर देना है। और जो है इसको जो है इस तरीके से जो आपको कट कर लेना है इस तरीके से। चलिए नाज़र में इसको जो है थोड़ा इस तरीके से जो आपको भी कट कर लेना है। ये इस तरीके से जो है कट करते जाना है। ये देखिए नाज़रीन जितना कटना था उतना कट चुका है और कुछ हिस्सा जो है नाज़रीन बच गया है। तो उसको जो है हम एक शेप ले लेते हैं और इसको जो है इस तरीके से जो हम वहाँ जितना जहाँ कुछ बचा है उसको जहाँ पर जो है रख देते हैं। इस तरीके से जो है आपको रख देना है। फिर एक ठो कॉपी लेते हैं और इसको जो है भी यहाँ पर जो है रख देते हैं। और फिर एक कॉपी लेते हैं और इसको जो है थोड़ा सर्कल बना देते हैं। और जो है यहाँ पर बचा हुआ है इसको जो है यहाँ पे रख देते हैं। तो नाज़रीन ये हो चुका है। अब जो है आपको इसी पे आना है लेयर पे आना है। चलिए मैं लेयर पे आता हूँ और ये दोनों को जो है ये जो है ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर देने के बाद आपको फिर जो है इरेजर पे आना है। इसको इनेबल कर देना। इसको इस तरीके जो है कर देना। ये जो है आधा कट चुका है नाज़रीन। अब जो है ये जो है आधा बन चुका है। अब इसको जो है छुपा देना है। आँख पे क्लिक करते हैं छुप गया। और इसको जो है जाहिर कर देना। इसको बाहर निकाल देना। ये देखिए अब जो है नाजरीन हमने पहले जो है नीचे वाला काटा था लेकिन अब जो है मुझे ऊपर वाला काटना है। इस पे जाते हैं। ये देखिए इस पे जाते हैं और जो है मास्क के पे जाते हैं और ऊपर वाला जो है कट कर देना है। ये देखिए ये नीचे वाला कट गया है लेकिन आपको जो है ऊपर वाला अगर आप हमको काटना है तो आपको जो है इस पे जो है आउट लिखा हुआ आपको इस पे जो है क्लिक कर देना है। ये देखिए यानी कि अब जो भी हम कट करेंगे वो ऊपर वाला ही कटेगा। चलिए मैं जो है इसको पहले काट लेता हूँ वीडियो रोक करके ताकि जो है वीडियो लंबी ना हो जाए। बहुत लंबी हो चुकी है। ये देखिए नाज़रीन जो जितना ऊपर में जाहिर हो रहा था फजूल का तो ये शेप मैंने रख दिया। और जो है इसको जो है ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इसको ले लेना है और इसको जो है तमाम को जो है ज्वाइन कर देना है। इसको जो है नहीं करना है। ये जो है आप देख रहे हैं ये जो है पहले से ज्वाइन हो चुका है तो इसको जो है नहीं टिक करना है।
इसके बाद जो है हमको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ज्वाइन हो चुका है। अब जो है इरेजर कलर पे जाते हैं, इसको जो है इस तरीके से कर देते हैं। ये देखिए हो चुका है। अब जो है नाजरीन इसको भी जो है ज़ाहिर कर देते हैं और जो है यहाँ पे जो है रख देते हैं सही से। ये देखिए जो है मेरा MS जो है तैयार हो चुका है, यानी कि ये अलग हो चुका है। अब ये इसका अलग कलर देंगे और ऊपर वाला जो है उसको जो है अलग कलर देंगे। ये देखिए थोड़ा इसको जो है हाँ इस तरीके से जो है रख देना है। अब जो है हम कलर इसमें जो है डालते हैं नाजरीन, नीचे वाले कलर जो है सबसे पहले जो है डालते हैं। कलर डालने के लिए आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है और जो कलर आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिलहाल जो है ये दे दिया हूँ। उसके बाद ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको कलर जो है ये कलर दे देते हैं। उसके बाद नाजरीन ये दोनों को जो है ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए जो है ये दोनों को जो है ज्वाइन कर देना है। ये दोनों ज्वाइन हो जाने के बाद आपको जो है इसको जो है ये जो हमने चांद बनाया था आँख के निशान पे जो आपको क्लिक कर देना, ये ज़ाहिर हो जाएगा। अब इसको जो है चांद वाले को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बीच में ले आते हैं इसको जो है, पहले उसको जो है लॉक कर देते हैं चांद को। अब जो है इसको जो है हम सेलेक्ट करते हैं और इसको जो है छोटा करके आपको जो है यहाँ पे रख देना है। ये देखिए जो है छोटा करके यहाँ रख दिया हूँ। अब जो है नाजरीन इसको भी जो है ज्वाइन कर देना है। ये देखिए लेयर पे जाना है। अब ये दोनों को जो है ज्वाइन कर देना, ये दोनों ज्वाइन हो चुका है। अब जो है उसके बाद नाजरीन आपको इधर आना है, सॉरी ये जो है आपको इसलिए आ रहा कि अगर आप इस तरीके आ रहा तो छोटा बड़ा कर दीजिए हो जाएगा। इसको जो है इतना कर देना है लगभग, जो इसको 95-97 जितना रखना है, इसको जो है लगभग 30-33-35 जो है रख देना है। इसको 100 रख देना है। इसको जो है नाजरीन 10 या 15 आपको रख देना है। उसके बाद इसको जो है फुल कर देना। ये देखिए हो गया है। अब जो है नाजरीन मुझे जाना है 3D शेप पे। यहाँ देखिए 3D शेप लिखा हुआ है, आपको इस पे जाना है, इनेबल कर देना है। अब इसको जो है 10 की जगह आपको 2 कर देना है और जो है इसको जो है 30 की जगह फुल कर देना है। अब जो है इसको जो है ये कुछ सब ठीक है। उसके बाद जो है आपको इधर आना है, इसको आप इस सब कुछ है जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो है नाजरीन ये हो चुका है। अब जो है नाजरीन इसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए नाजरीन आपको जो है इस पे आना है। इस पे आने के बाद आप जो है आपको इधर आना है फ्रॉम गैलरी, आपको इस पे आना है। उसके बाद जो देना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से दे दें। फिल वक्त जो है हम इसमें से जो है दे लेते हैं जो हम देना चाहते हैं। ये देना चाहते हैं। इसके बाद जो है इस तरीके जो है ये यूट्यूब के लिए था, तो इसको जो है यहाँ पे इमेज साइज़ पे जाते हैं और सिक्योर पे जो है क्लिक कर देते हैं, ओके पे जाते हैं। ये देखिए जो है मेरा लोगो तैयार हो चुका है। अब जो इसको सेव करने के लिए नाजरीन आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जो इस पर क्लिक कर देना है, सेव इमेज पे जाना है और सेव टू गैलरी लिखा हुआ है, ये जो है सेव इमेज यानी कि गैलरी में सेव हो जाएगा। तो नाजरीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नाजरीन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।